करने के लिए रखा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का बजट बिलासपुर के सदर के लिए है। बिलासपुर सदर और बिलासपुर जिला की जो है विचलित करने के लिए उन्होंने रखा है। तो धन बल की वर्षा होगी और ये वर्षा होनी शुरू हो गई है और बिलासपुर की जनता इस वर्षा के बारे में जो है भलीभांति परिचित है कि धन बल और नड्डा साहब की नाक बचे उसके लिए कितना भी धन लगाना पड़े तो 100 करोड़ का बजट उन्होंने रखा है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो स्कूल की रैली के लिए अप्लाई कर दिए सर, परमिशन के लिए कर दिया है पिछले बार, तो फिर मैं अपने आप तरीके से देखूंगा कहाँ जाना है। 5 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली बिलासपुर में रखी है एम्स को लेकर, एम्स के उद्घाटन को लेकर के, और वो प्रधानमंत्री जी के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी के आने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये उनको बताना चाहेंगे कि अभी तक एम्स में ऑपरेशन थिएटर बनकर के तैयार नहीं हुआ है और वहाँ पर लॉन्ड्री नहीं है, वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, और जब वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, लॉन्ड्री नहीं है और ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, जब थिएटर नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो गए तो उसका उद्घाटन कैसा है, और बहुत सी अभी चीज़ें हैं जो वहाँ पर बनकर के तैयार नहीं हुई है। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी को उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी को रैली करना चाहती है तो रैली कराए, बैरगलोला पुल, भंजवाणी पुल, इसके लिए पैकेज दे के जाए, यहाँ पर आर्टिफिशियल झील बननी चाहिए ताकि पर्यटक यहाँ पर रुके, उसके लिए वो पैकेज दे के जाएँ, और जो बेतहाशा कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर जो है मुख्यमंत्री ने और सरकार ने किया है उस कर्जे से उभारने के लिए प्रदेश के लिए जो है विशेष पैकेज की घोषणा करें, लेकिन वो एम्स का उद्घाटन ना करें। और मैंने इस विषय में बिलासपुर की और सदर की जनता को जागरूक करने के लिए विरोध रैली रखी हुई है। प्रधानमंत्री जी आए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमने रैली रखी है कि जिस एम्स के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं, जब वो एम्स बनकर के ही तैयार नहीं है तो जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? जनता गुमराह हो जाएगी, दूर दूर से लोग आएंगे लेकिन वहाँ पे तभी एनेस्थीसिया का डॉक्टर तक नहीं है। तो इसलिए हमने बॉय स्कूल में उसकी परमिशन मांगी है कि बॉय स्कूल में कांग्रेस की रैली करने की परमिशन दें। हम 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठा करके वहाँ पर जो है बिलासपुर की जनता को जागरूक करना चाहते हैं। तो इस दिशा में हमारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो प्रधानमंत्री जी की भी आंखों में धूल ना झोंके और हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह न करें और इस उद्घाटन को रोकें, अधूरे एम्स का उद्घाटन ना कराएं। यही आज का हमारा जो है आपके माध्यम से हमारी आवाज़ है जो प्रधानमंत्री जी के कानों तक जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सर आपको परमिशन नहीं मिली तो क्या रहेगी अगली रूपरेखा? यदि प्रशासन हमें गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने की परमिशन नहीं देता है तो फिर हम अगला कदम अपने हिसाब से उठाएं। ठीक है जी, थैंक यू।